इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं, तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो, आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा, वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की, तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है, आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। और तलवारों की बात भूल जाओ, तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है, लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और बढ़ती नजर भी आ रही है। आपने अभी शुरुआत में महज यतीन नरसिम्हानंद सरस्वती के बयान के कुछ ही जुमले सुने हैं। ये जुमले के इजलास में कहे गए हैं। इजलास हरिद्वार में रखा गया था, 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक रखा गया था। अगर आप इसे खुले मैदान में बड़ा पेंडाल लगाकर धर्म संसद के नाम पर रखा ये इजलास, अगर यूं कहा जाए कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ये इजलास, धर्म संसद नहीं बल्कि अधर्म को बढ़ावा देने वाला इजलास कहा जाए तो गलत ना होगा। जिसमें खून खराबा महज मार काट की बात की गई। क्या आप जानते हैं कि किसे मारने काटने की बात कही गई? तो भारत के मुसलमानों के कत्लेआम पर खुलकर बोला गया। अपने आप को बड़े बड़े महंत संत समझने वालों ने मुसलमानों को काटने और मारने की बात करते हुए कैसे मुसलमानों का सफाया किया जाए, इस पर बयानों की बौछार लगाई। सामने बैठी भीड़ भी इस पर तालियां पीट रही थी। सबसे ताज्जुब की बात तो यह है कि पुलिस ने अब तक किसी पर भी मुकदमा दर्ज किया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह के इजलास हुकूमत के कहने पर किए जा रहे हैं? शायद ही किसी ने मुसलमानों के कत्लेआम पर ना बात की हो, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले इस धर्म संसद पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। जहां छोटी सी फेसबुक पोस्ट पर हरकत में आने वाली पुलिस कहीं पर भी नजर नहीं आई। खुलेआम बंदूक तलवार चाकू छुरी और कत्लेआम पर इस तरह खुलेआम ऐलान करना आखिर किस तरफ इशारा करता है? यकीनन महंगाई बेरोजगारी से आवाम परेशान है, ऐसा लग रहा है कि कहीं तो भाजपा का तख्त हिल भी रहा है, लिहाजा इसे धर्म के तशद्दुद के जरिए ही बचाया जा सकता है, आने वाले चुनाव में जहरीली तकरीरें कामयाब कर सकती हैं। और शायद इसी के मद्देनजर धर्म संसद का नाम इस्तेमाल कर उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक इजलास रखा गया था और इसका एहतमाम किया गया था, जिसमें सब कुछ अपवित्र था, सब कुछ धर्म संसद के खिलाफ था। कट्टर जहरीले और हिंदुत्ववादी संगठन के पैरोकारों ने लगातार 3 दिनों तक मुस्लिम माशरे के खिलाफ दहशत और जहर की ऐसे बातें कही जो संविधान यानी आईने हिंद के खिलाफ तो थी ही, साथ में दुनिया के किसी भी धर्म के उसूलों के खिलाफ थी। इस बैठक में खुल्लम खुल्ला मुस्लिमों के कत्ल गारतगिरी का ऐलान किया गया। वैसे तो बहुत कुछ बोला, आखिर काम कौन इस इजलास में शरीक थे? इसमें हिंदुत्व से जुड़ी नाम गिरामी हस्तियां शामिल थी। हिंदू रक्षा सेना के सदर स्वामी प्रबोधानंद गिरी, हिंदू महासभा के जनरल सेक्रेटरी साध्वी पूजा पांडे, स्वामी आनंद स्वरूप, यती नरसिम्हानंद, धर्मराज महाराज, सिंधु सागर स्वामी, भाजपा प्रवक्ता यानी भाजपा की स्वामी उपाध्याय, सुदर्शन चैनल के सुरेंद्र चौहान के, उत्तर प्रदेश सरकार के रियासती वजीर राजेश्वर सिंह, यह सारे वे नाम हैं जिन्होंने 3 दिनों तक धर्म संसद के आड़ लेकर इंसानियत के खिलाफ आतंक दहशत फैलाने का काम किया। इन सभी नामों के साथ बड़ी बात यह है कि यह पहले भी खुल्लम खुल्ला माशरे में नफरत का कारोबार चला चुके हैं। इनके खिलाफ कुछ शिकायतें भी दर्ज है, लेकिन इन पर सरकार ने किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की है। क्या हुकूमतों के रियासती वजीर इस तरह घटिया और इतनी गिरी हुई सियासत करेंगे? क्या सुदर्शन चैनल के चौहान के पर कोई कार्रवाई होगी? यकीनन कुछ नहीं होने वाला। और ऐसा नहीं कि हुकूमतों को इसका इल्म नहीं रहता, ये तमाम तो इन्हीं के इशारों पर अंजाम दिए जाते हैं। हिंदू धर्म का नाम लेकर समाज में किस इंतहा तक जहर घोला जा रहा है, और ये कोई मामूली लोग नहीं है, इनका उठना बैठना भाजपा के मरकजी कायदों के साथ है। क्या यूपी चुनाव जीतने के लिए वाकई खून की नदियां बहाना चाहते हैं? सागर सिंधु महाराज ने जोर देकर कहा, मैं बार बार दोहराता रहता हूं कि 5,000 रुपए मोबाइल खरीदने के बजाय 1,00,000 रुपए का हथियार खरीदो, आपके पास कम से कम लाठी और तलवार तो होनी ही चाहिए।
शास्त्रमेव जयते का नारा देते हुए नरसिंहानंद ने कहा मुसलमानों का आर्थिक यानी कि माशी बायकॉट करने से काम नहीं चलेगा, हिंदू समूहों को खुद को अपडेट करने की जरूरत है। तलवारें मंच पर ही अच्छी लगती हैं, ये लड़ाई बेहतर हथियार वाले लोग ही जीतेंगे। आनंद स्वरूप महाराज ने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अकलियतों के खिलाफ 1857 से भी भयानक जंग छेड़ेंगे। बिहार के धर्मराज महाराज ने कहा कि अकलियतों की हिमायत करने वाले मनमोहन सिंह के सीने में 6 गोलियां उतार देता जैसे गोडसे ने उतारी थी। इसी तरह हिंदू महासभा के अन्नपूर्णा ने कहा कि 100 सैनिकों की जरूरत है जो 20 लाख लोगों को मार सके। और भी बहुत कुछ इसमें खुले आम बका गया लेकिन सभी खामोश हैं जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। दरअसल में ये इजलास ही हिंदुओं के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ था, तो यहाँ के आवाम का पहला फर्ज था कि ऐसे जहरीले इजलासों की मुखालफत करें। और वैसे भी पुलिस आईबी तो छोटे छोटे इजलासों में जाकर बैठती है, तमाम तफसीलात लेती रहती है और कार्रवाई भी करती है, पुलिस खुद की जानिब से भी मुकदमे दायर करती है, लेकिन यहाँ पर यह खामोश तमाशा ही नजर आ रहे हैं। इस वक्त कहाँ गई थी यह पुलिस या हुकूमत के इशारे पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई। ये तमाम बातें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जल्द कर्नाटक में भी चुनाव होने जा रहे हैं और आज ही मजहब तब्दीली कानून को खास मौसम सरमा इजलास में यानी कि अधिवेशन में रखकर बेलगाम में पास किया गया, तो कहीं पर कर्नाटक भी यूपी की नहज पर चल रहा है। शुमाली हिंद का यूपी कर्नाटक को बनाने का भाजपा का मंसूबा है, तभी तो आज ईश्वरप्पा ने कहा कि अगर हमें आरएसएस के एजेंडे पर चल रहे हैं का है तो सच है हम आरएसएस के ही एजेंडे पर चल रहे हैं और उस पर ही अमल कर रहे हैं, ऐसा खुलकर कहा। कर्नाटक में चर्च पर हमलों में इजाफा हो रहा है, तो मुसलमानों को भी किसी न किसी बहाने हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समाज की बेहिसी पर कितना भी रोए कम है, इन अतराफ में क्या चल रहा है इसका कुछ भी इल्म नहीं रहता, इनकी दुनिया ही इनकी जिंदगी है। बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मंसूबे बनाए जा रहे हैं लेकिन ना तो मस्जिदों में हालात हाजरा पर बयान, ना हालात हाजरा पर तबसरा। क्या पढ़ने से कितनी लाख नेकियां मिलती है इसी हिसाब किताब में इनकी जिंदगियां गुजर रही है। कोई सियासी कायद आगे बढ़कर इस मिल्लत की रहनुमाई के लिए तैयार नहीं, जो भी आता है अपना मुफाद हासिल करना चाहता है, हर किसी को अपनी सियासी पार्टी के लिए काम करना है, कुछ तो भाजपा की तरफ कुछ दुनिया ही ठीकरों के लिए जा रहा है। पूछने पर जवाब मिलता है कि जितना काम निकाल सकते हैं निकाल लेने का। क्या हजारों मुसलमानों के कत्ले आम के मंसूबे बनाने वाली पार्टियों के साथ महज अपना जाती मुफाद के लिए अपने जमीर का सौदा क्या काम का। लिहाजा बहुत खतरनाक दौर से शायद गुजरना पड़ने वाला है क्योंकि इस मुल्क का संविधान ही खतरे में है। आज मजहब तब्दीली कानून को मंजूर किया गया और ये होना लाजिम भी था क्योंकि पहले ही इन्होंने इस पर ऐलान भी किया था। सवाल तो ये उठता है कि क्या मजहब तब्दीली कानून भुखमरी गरीबी बेकारी से बढ़कर है? क्या लव जिहाद का कानून मंजूर करना इंसान की बुनियादी जरूरतें रोटी कपड़ा मकान से बढ़कर है? लेकिन जिस तरह हरिद्वार में खुलेआम नफरती गिरोह एक समाज के खिलाफ इजलास मुनक्कद करता है तो आवाम भी खामोश रहती है और आवाम की खामोशी एक तरह से इनकी हिमायती समझी जाएगी। क्या ऐसा खौफजदा करने वाला सवाल अकलियती माशरे के जहन में जरूर गश्त कर रहा है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा लेकिन शस्त्र कम से कम 1,00,000 रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। जो तलवार की बात है लाठी डंडे की बात है, मैं कहता हूं कम से कम ये घर में हर वक्त होना चाहिए। अपना शस्त्र लेकर तुम चले गए तो घर में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कोई आए तो जीवित वापस ना जाए। ये हमारे पीएम साहब जब संसद में बोले थे और जब मैंने पढ़ा था ना पेपर में तो हुआ मन में कि काश मैं भी सांसद होता और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी 6 की 6 गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। अब देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन 2029 में मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दे, अपने गांव को इतना सक्षम बनाए, इतनी अपनी आबादी को आगे बढ़ाए और मार, इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल भी जाने को तैयार है।